उसका। तुम्हें मकान चाहिए, फिर लड़का नहीं चाहिए। हाँ, मेरी मम्मी के पास तो मकान नहीं है। मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है। तुम लोगों को मेरे को अपनी लड़की के लिए श्योरिटी चाहिए। माँ के नाम कर सकता हूँ? नहीं करने तो कर ले अपनी माँ के नाम करके दिखाइए जरा। तू अभी तो कोर्ट हमारे फेवर में है, कहीं सोच रहा हो तू? रोक लोगी? बिल्कुल रोक लूंगी। मैम पति पत्नी के रिश्ते में मकान कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि तू टिकता नहीं है, तेरे को एक जगह टिकाने के लिए ये इसके नाम भरोसा तो हमें नहीं होना चाहिए। भरोसा तो हमें नहीं होना चाहिए जिस तरह का वो इंसान है। तुम ऐसे मक्खी की तरह निकालोगे तुम तो, तुम भरोसा नहीं कर रहे, तुम तो मकान का वो मांग रहे हो ना। अच्छा, अगर तो अपनी बेटी की कोई छोटी नहीं मांगूंगी क्या? अपनी बेटी की क्यों छोटी नहीं मांगूंगी क्या? कुछ तो है तुम्हारा बेटा मकान नाम करने से तुम्हारे मन का बन जाएगा। बिल्कुल मकान नाम करने से तुम्हारे मन कम से कम रहेगा तो कम से कम यहाँ पे हाँ कम से कम संभाल के तो रखेगी। करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लाखों की प्रॉपर्टी हो, वो करता ही करता है। तो मकान नाम करने से तुम भी तो सही रहो ना, तुम में भी तो मेरे को वो लक्षण दिखे कि हाँ ठीक। क्या लक्षण देखना चाहती हो? क्या लक्षण? कौन से लड़के के साथ चली गई? कौन से लड़के के साथ चली गई? उतने दिन छोड़ने के बाद भी यही रह रही है? मेरी बात मैं तुम्हारी लड़की, तुम मेरे लड़के, तुम वेले हो मेरे लड़के के आगे पीछे। अच्छा, मैं नहीं घूमती हूँ, मैं नहीं आई थी यहाँ रहने के लिए। काम ही क्या है उसके पास? मैंने नहीं बोला था आपके लड़के को और आपको आपके हाल पे छोड़ दिया था ना, आप क्यों आए 10 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए? शर्त बोला, शर्त के ऊपर तुमने बुलाया बात करने के लिए? बात आपने बोला था ये बात, लेकिन ये दोनों को मौका चाहिए तब बोली हूँ मैं। मैं नहीं बोली हूँ पहले, तो आपने बोली तो मैंने तो रह रही है ना यहाँ। हाँ, तो फिर मैं आपके कहने से नहीं, आपके कहने से बोलूँ कि दे दिया मौका? मकान तो नहीं, जब मर्जी जाए, जब मर्जी आए और बोल दू दे दिया मौका। मेरी लड़की को कोई छोटी नहीं चाहिए क्या? तो ये छोटी होती? हाँ, ये छोटी समझ लो। तो भैया साल 6 महीने रहे, मैं क्या नाम है मकान इसके नाम कर दूंगी, साथ में मेरे को दिखे तो सही है। साल 6 महीने में क्या गारंटी? किसी और लड़की के साथ नहीं जाएगा, गुंड के वापस नहीं जाएगा, क्या गारंटी है? तो देते हो गारंटी है? देते हो? अरे आपको खुद आपको पता है कि मैं अपने लड़के के लिए मकान कर दूंगी साल 6 महीने साथ में आराम से। बोलो मत, मेरे को तो कुछ बोलो ही मत। तेरी मम्मी अपने बेटे को समझा, मैं तो समझा दूंगी अपने बेटे को। अपने बेटे को पहले भली तरह से समझा लो, फिर बात करना। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर हमने सिर्फ बात रखी है ना, मैं भी समझा दूंगी अपने लड़के को। साल 6 महीने लगता है समझने वाला, वो लगता है समझ जाएगा। तुम्हें मकान चाहिए, फिर लड़का नहीं चाहिए। मेरी मम्मी के पास तो मकान नहीं है। मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है। तुम लोगों मेरे को अपनी लड़की के लिए श्योरिटी चाहिए। पेट नहीं भर रहे हैं हमारे पास, मकान कैसे भरते हैं पेट? हम तो रोड पे रहते हैं। आपके बेटे की शादी होने से पहले तो मैं रोड पे रह रही थी। अरे तुम हाँ भी तो नहीं कर। आलिया तुम्हारा बेटा, आलिया तुम्हारा बेटा, क्या हो गया? क्यों लड़ाई लग रहा है? क्या हो गया? पूछ ले मेरे आगे शर्त रख। आप ही बता दो ना, मैंने तो एक ही बताई, आप चार लगा के बताओगे? बता दो तो तुम्हारे सामने बता। हाँ, बता दो, बता दो, बताओ, बता दो। मैंने कहा बच्चे एक साथ रह लेंगे, तो कह रहे कि तुम चाहती हो बच्चे एक साथ रह लेंगे, तो एक काम करो ये मकान इसके नाम कर दो, राधिका के नाम कर दो। ये क्या मतलब? और क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब होता है? क्या हो गया? क्यों दुनिया मकान बीवी के नाम नहीं करती? दुनिया बीवी के नाम मकान नहीं करती? बीवी के नाम क्यों करती है? क्यों क्यों नहीं करती है? क्यों बीवी कहाँ करती है? देखो रहने के लिए मना नहीं है, मकान नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रहने के लिए क्यों नहीं होगा? मकान नाम होगा, माँ के नाम होगा। अच्छा, मेरे नाम भी नहीं रहेगा। अच्छा, सीधी बात। अच्छा अच्छा, तेरे को लग रहा है तेरी माँ के नाम होने दूंगी मैं मकान? तो बेट ठीक है, मेरे ही नाम रहेगा मकान, तो इसको ईमानदार। अभी तो तू भी यहाँ रहने के लिए आया हुआ, ठीक है, 10 दिन पूरे होने वाले हैं। हाँ, तुम्हें तो लड़कियाँ चाहिए होती हैं। अरे तो अब क्या ड्रामा हो गया बताओ ना? मकान की इतनी सी बात बोली थी कि राधिका के नाम मकान कर दो, अगर तुमने एक दूसरे को इकट्ठे रहने का मौका देना है तो ठीक है, और नहीं तो तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये क्या ठीक है? ये मतलब यही मतलब हो, मुझे अपनी लड़की के लिए कोई छोटी नहीं चाहिए। तो श्योरिटी का मतलब ये थोड़ी है कि मकान ही नाम करवा लो। तो क्या श्योरिटी है तेरे पास? और है क्या तेरे पास? और क्या है? आपको श्योरिटी चाहिए ना? तो मैं एक काम करता हूँ, वकील से बात करके एक पेपर बनवा लेते हैं। वो तू बनवा ले, कोर्ट का पेपर बनवा के। कोई गलती होगी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। हाँ, इसकी तुम्हारे नाम उस टाइम हो जाएगी अगर इसकी कोई गलती दिखती है तो। अभी आप मेरे को नहीं मंजूर, मेरे को नहीं मंजूर बिल्कुल भी। तेरी नहीं चलेगी, इनको नहीं रहना, तेरी बिल्कुल नहीं चलेगी। तरीके से आप लोग सोच के चल रहे हो, तो तू सोच के बैठा ना, तो किसी और लड़की के मर जाएगा। किसी भी हाल में हम दोनों को रोड पे लाना ही चाहिए। मतलब तू ये सोच के बैठा, तू किसी और लड़की के पास जाएगा ही जाएगा। गेम मत खेलो, तू मत खेल, फैमिली तोड़ मत खेल, बेटी का घर आप बर्बाद। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर इसके साथ बस जाए, इसके नाम रहेगा तो तू बसा रहेगा। नहीं कर रहे हैं बसाने वाले। एक बताओ ना, एक रिश्ते में पति पत्नी के रिश्ते में मकान कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि तू टिकता नहीं है, तेरे को एक जगह टिकाने के लिए ये इसके नाम रहेगा तो तू सादा टिक रहेगा। तो लड़कियों की नौकरी करता है तो यही है, तो रोटी नहीं खाएगा? रोटी नहीं, रोटी नहीं, रोटी नहीं, भूखा मरेगा ना अभी तक तो।
अपनी बीवी पे यकीन क्यों नहीं है तेरे को, अपनी बीवी पे यकीन क्यों नहीं है मेरे को ये बता दे। ये यकीन होता है तेरे को मकान नाम करने में? आप बता दिए मकान नाम क्यों, बीवी के नाम मकान क्यों करना? क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? अपनी माँ के नाम क्यों करना है? माँ के नाम क्यों करना है ये बताओ। आप सुनो, माँ और बीवी में आसमान जमीन का फर्क। हाँ, माँ मकान तुड़वाने वाली होती है? होती है। तेरी माँ ने आज तक घर तुड़वाया और करा क्या है तुम? वो करवा तो क्या, मैं कह रही हूँ अलग चला जा, मैं कह रही हूँ छोड़ के चला जा। अच्छा, क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं तो तुम भी कहते कि तुम दोनों रहो साथ में। हाँ। हम लोग करते हैं ना कोर्ट में, चलते तुम और मैं चलते नहीं, तुम्हारे मम्मी एक काम करते हैं, सुनो एक काम कर लेते हैं, हम दोनों का मसला है, हम दोनों यहाँ रह लेते हैं, मैं अपनी मम्मी को भी गाँव भेज देता हूँ, आप भी अपने घर चली जाओ। मैं जब जाऊंगी, जब तेरा घर बसा दिख जाएगा, समझ गया? मैं नहीं जाऊंगी, तू सोच रहा हो, तेरी नहीं चलेगी यहाँ पे, तू सोचे कि मैं माँ चली जाए, मैं कुछ भी करूँ इसके साथ। गांव चली जाओ, आप भी अपने घर। अच्छा, तू मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर, है ना, इसको यहाँ बंद करके जा, गुनगुन के साथ गुनगुन चले उड़ा, करेगा, करता ही है, करता ही है। कब रात तक, कब रात तक? नहीं नहीं सुनो, एक बात बताओ, कुछ भी करके आप कहना चाहिए, आपकी बेटी को मैं मारता हूँ, पीटता हूँ, खाना नहीं देता हूँ, क्या नहीं देता? ये रख रखी है ना टॉर्चर के लिए तूने? अच्छा, रख तो रखी है तूने टॉर्चर के लिए? लड़के की माँ घर में रहेगी तो प्रॉब्लम है, बहू का क्या जिम्मेदारी होता है? सास का करेगी नहीं? बहू का जिम्मेदारी होती है कि सही रोटी दे तो भी जली रोटियां सुनेगी? रोटी नहीं देती, जली रोटी देती है, ये कर दिया वो कर दिया, है ठीक है, तो अब तो हम खाने नहीं दे रहे, खाओगे कहाँ से? आपकी बेटी को मेरी अपना खिलाने में रोटी है तो मैं अपनी मम्मी को गाँव भेजने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो भेज दे। मैंने कब मना करा तेरे को? मैं क्यों जाऊं बता, तुमसे तुम्हारी हरकतों से मुझे, उनसे नहीं उनके रहने से। तू सही से घर बसा दे, मेरे को क्या पड़ी है तेरे घर रहने की? तुम क्या इनके अरे आपके जाने से क्या होगा, अपने बेटे का कैरेक्टर भी कर लो पहले, पढ़ोगे क्या बीच में ये बता दो। मैंने तो नहीं बोला बीच में सोऊंगी कि नहीं दोगे, का क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं, ताकि दूसरी लड़की के साथ भी गुखा था फिर? अरे तो गुखा दोगे तो बाहर जाने की जरूरत क्या पड़ी? अच्छा, साथ में रहेंगे दोनों तो। ये बात जब समझ क्यों नहीं आई, जब गुनगुन घर में बसा रखी थी 24 घंटे गुनगुन यहाँ पड़ी थी, तब क्यों नहीं समझ आई? आज ही समझ आ रही सारी बातें? लग रहा उसमें भी तुम्हारी चाल थी, तुम्हारी चाल सारी मेरी चाल थी, तुम्हारी तो थी ही नहीं। नहीं आपके बेटे के पास चिल्ला चिल्ली हमेशा चिल्लाने लग जाए तो बातें जायज करो तो बोलूंगा, बोलने दूंगी ना, क्या बोल रहा है? मैं क्या गलत बोल रहा हूं? तो अपनी माँ को समझाना, बीच में सोई है, एक माँ के लिए डूब के मरने वाली बातें होती है। आपके बेटे की रहने वाली नियत ही नहीं है मेरे साथ, तो क्या शर्म भी आ रही है? क्या भी बोलते चली जा रही है? अच्छा, मकान लेने के बाद कम से कम बेटा तो टिकेगा आपका? अच्छा, जब मकान नहीं लिया तब भी थी क्या मैं इसके साथ? तो पड़ोसी के साथ बैठी थी जाके? मुझे नहीं लग रहा, जब भी आपका बेटा तब भी वही पड़ा हुआ था जाके? अपनी कहानी नहीं बता रहे, गुनगुन छोड़ के चली गई तो दर्द हो रहे हैं? खूब रहा है तेरे साथ, चल रही होती बुला बुला के माँ को तुमने अपने? हाँ, माँ तो घर में यही सो रही है सदा से, तो आपकी वजह पहले दिन से ही वो अपने घर बैठी नहीं थी, आपकी वजह से वो? भैया मैं तो बहुत कमाती हूँ, चली जाती है, मेरे को वक्त नहीं लगे। अब देखूंगी, अब देखूंगी कहाँ जाएगी अब गुनगुन के घर, अब तो गुनगुन के घर जाना नहीं रहना, अब कहाँ जाएगी? गाँव ही भगेगी तो? हाँ, तो कुछ रह ही नहीं गया, गाँव भी जाऊँ तो मुझे कोई दर्द नहीं है, मेरी बला से तो अभी जाओ, इसका सुख चैन से घर बसेगा, तुम चली जाओगी तो घर ही बच जाएगा, तो घर बच जाएगा, मैं चली जाऊंगी। हाँ, मेरे को क्यों रहना है यहाँ पे? बस मैंने नहीं बोला, गाँव जाओ, मैं चली जाऊँ। ये लोग तो बात करने नहीं देते हैं, ये लोग तो बस चिल्लवा लो इनसे, तो क्यों ना चिल्लाए? बात करो ना, मैं बोल रहा हूँ, सुना दे अपना मुद्दा, आराम से तुम बताओ, तुम कर रहे हो तो ठीक है, सुन ले, सुन ले, सुना बचर 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 बचर, वो तुम ही कर रहे हो, करने से नहीं होता। अच्छा, किसी भी मुद्दा को जब बैठ के डिस्कस करोगे, आराम से बात करोगे, तब हल निकलेगा। ऐसी बुद्धि होती है, भरी बसा होता। हल ये है कि मकान मेरे नाम है, मकान मेरे ही नाम रहेगा, ठीक है? तुम्हारे नाम जो मर्जी करो, ताकि फिर ये दूसरी लड़की को लाए, फिर उसके नाम घर कर दे। भाई ये कैसे बचाएंगे जब विश्वास इतना सब इतना भी नहीं है? नहीं है, नहीं है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं किसी और के पास नहीं जाऊँ, तुम कोर्ट का पेपर बनवा के मैं तुमको दे देता हूँ। तुझे मकान अपनी बीवी के नाम मकान करने में दर्द क्या हो रहा है मुझे ये बता दे, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो इसे भी हो रहा है, इसे भी हो रहा है, किसी पे भरोसा नहीं। अच्छा, ठीक है, मुझे भी तुम्हारा भरोसा नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना ऐसा है? अभी तक तो हम ही रह रहे हैं ना, अभी तक हम ही रह रहे हैं यहाँ पे, नाम कर सकता हूँ नहीं करने तो कर ले अपनी माँ के नाम, करके दिखाइए जरा तू, अभी तो कोर्ट हमारे फेवर में है, कहीं सोच रहा होगा तू?
बिल्कुल रोक लूंगी, निकाल के दिखाना यहाँ से। मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हुई, ये मकान माँ के नाम ही लेना चाहिए था। ले लेता तब ले लेता ना, ले लेते ना, गलती हो गई ना, फिर भी मैं लेती ही लेती। ऐसा नहीं होता, हम तो बीवी का ही है, देते ही देते। गलती में रह रहा हो तुम, कानून जाके पढ़ लो पहले, खरीदा तो तूने है मकान, खरीदा तो तूने है, बीच में पैसा दिया मैंने, माँ कहाँ से आ गई बीच में। अगर इनके नाम होता ना तो ये खरीदा तूने और मैं पैसा मैंने दिया, ये सब कोर्ट में नहीं चाहिए। वो तूने खरीदा है, वो किसकी औलाद है? वो भी तो मेरी औलाद है, खरीदा है तो प्रूफ चलता है। माँ तो तब तेरी गायब थी, माँ तो तेरी गायब थी, तेरे को लेके निकल के ऐसे ऐसे करी थी, तेरी याद है ना जब मकान मैंने तेरे को। सिंपल सी बात देखो, आपको अगर बेटी को प्यार से रखना है मेरे साथ रखो, मकान नाम नहीं होगा खत्म। तेरे कहने से होगा क्या? अभी तो कोर्ट मेरे फेवर में है, अभी तो हम रह रहे हैं यहाँ पे, तू करवा के दिखा मकान अपने, फिर करवा के दिखा देना। मुझे भी नहीं रहना फिर तुम्हारे साथ। कौन सा तेरे साथ रहने के लिए, मरे चले जा रहे हैं? हाँ तो आप लोग को लालच है मकान का, सीधा हाँ, मेरे पास तो मकान ही नहीं है, चाहिए नहीं इसको, श्योरिटी चाहिए नहीं किसी चीज, शर्म नहीं आती जब शादी करके वहाँ पे रह रहे थे, जब दाग भक्के जो भक्के आए तुम रहेंगे, तू बताएगा हमें कब रहना है? तू कौन होता बताने वाला? जब मेरा रहना है मम्मी, अगर कब नहीं जाना बताने वाले नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं। अरे हटाओ मम्मी साहब, बाहर से आओ काम करके यहां। अरे तो किसने बोला था यहाँ पे आने के लिए? अच्छे भले चैन से रह रहे थे, रहते वहाँ पे, किसने बोला था आने के लिए यहाँ पे? बड़े बड़े अंधे इनको। हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात करो तो बुरी लग जाती है। गलती कर दी है ना, दियो बचा के रख दिए, गलती कर दी। मेरे को पता ही था इसकी माँ ने इसके करना ही नहीं है, इसके नाम कितनी आग लग रही है। 10 दिन के लिए कल को आप ही रहोगी तो वो वाला मकान मेरे ही होगा ना, नाम तो वो मेरे तो ही होगा ना। हाँ। इसकी अकल में पत्थर पड़े हैं क्या? पड़े हैं ना, पड़े हैं इसके। इसको ये मकान नहीं देना, इसने नाश करवाना ही करवाना है। इसको ही लग रहा मकान के पीछे मर रही है। मैं इस मकान में रहने के लिए मरी चली जा रही हूँ क्या?